केरल के पक्कम के पास जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत को लेकर सभी विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल केरल में लगातार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष देखने को मिले थे। ऐसे में केरल के लोग और यहां तक कि वहां की सरकार भी चाहती है कि केंद्र सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करे। इसके लिए केरला असेंबली ने बुधवार 14 फरवरी को यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास कर केंद्र सरकार से स्टेट में बढ़ते ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट करने की रिक्वेस्ट भी की है। साल 2022-23 के सरकारी आंकड़ों में 8,000 से ज्यादा जंगली जानवरों के हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से करीब 4,000 से ज्यादा हमले जंगली हाथियों ने, 1,524 जंगली सुअरों ने, 193 बाघों ने और कई अन्य जानवरों ने हमले किए थे। इन अटैक्स में उस साल के दौरान 98 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके अलावा डेटा के अनुसार साल 2017 से 2023 के बीच जंगली जानवरों के हमलों से फसलों में होने वाले नुकसान की कुल 20,957 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। इन एनकाउंटर्स में 1,560 घरेलू जानवर भी मारे गए थे। केरल चाहता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 11(1)(a) में अमेंडमेंट किया जाए। दरअसल इस एक्ट का सेक्शन 11 जंगली जानवरों के शिकार को रेगुलेट करता है। सेक्शन 11(1)(a) के अनुसार किसी राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर मानता है कि कोई जानवर इंसानों के लिए खतरनाक हो गया है या फिर विकलांग हो गया है या उसे किसी जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया है तो वो उस जानवर को मारने का आदेश दे सकता है। इसका मतलब है कि ये सेक्शन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ऐसे जंगली जानवरों को मारने का आदेश देने की पावर देता है अगर उसे पकड़ने के बाद शांत या रिलोकेट ना किया जा सके। अब केरल चाहता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 11(1)(a) में अमेंडमेंट किया जाए ताकि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की पावर्स को चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सके। स्टेट का मानना है कि इस तरह के अमेंडमेंट से इंसानों के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों से निपटने का प्रोसेस आसान हो जाएगा क्योंकि ऐसा करने से डिसीजन मेकिंग आसान होगी और जल्दी होगी। आपको बता दें कि केरल में 5 CCF हैं जो अलग अलग जोन्स के इंचार्ज हैं। इसके अलावा केरल की एक और डिमांड है कि केंद्र सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग जंगली सुअर को एक हिंसक जानवर घोषित करे। बता दें कि सेक्शन 62 के तहत केंद्र सरकार एक्ट के शेड्यूल 2 में मौजूद किसी भी जंगली जानवर को किसी एरिया या फिर पूरे राज्य में कुछ समय के लिए खतरनाक जानवर के तौर पर नोटिफाई कर सकती है। एक घातक जानवर घोषित होने के बाद जंगली सुअर अपने शिकार से बचने की सुरक्षा को खो देगा और लोगों को इससे निपटने में आसानी हो सकेगी। अब ये सिर्फ केरला की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसे इंसिडेंट्स आए दिन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीकल्चरल लैंड और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज की मांग भी बढ़ती है। इससे जंगल और जंगली जानवरों के घरों का डिग्रेडेशन होता है और इस तरह की परेशानी आम हो जाती है। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जंगली जानवर तेजी से इंसानों के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं जिसके चलते ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी लगातार बढ़ रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें एक इंडिया के साथ। धन्यवाद।